नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी कुमार, stpaintsolution.com। पेंटिंग सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करेंगे पुट्टी के ऊपर सैंडिंग करना, उसको घस के प्लेन करना। हमारी जो दीवार है, दो कोट पुट्टी हो चुकी है। हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे घसें और अच्छी फिनिशिंग के लिए हम कितने नंबर पेपर का यूज करें। तो आज हम लाए हैं, देखिए, एक हमारे पास है 180 नंबर का पेपर और एक है हमारे पास 120 नंबर का पेपर। तो दरअसल बात यह है दोस्तों कि जहाँ तक पुट्टी अच्छी हुई होती है, जैसे कि पेंटर, अच्छे पेंटर जो होते हैं वो दो कोट पुट्टी मारते हैं, तो पहले कोट में अच्छी फिनिशिंग नहीं होती है, उसके बाद दूसरे कोट में वो फिनिशिंग करते हैं। लेकिन कुछ पेंटर ऐसे होते हैं कि दूसरे कोट में भी फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम 120 नंबर पेपर यूज करते हैं, जिससे कि ज़्यादा माल कटाई हो और दीवार को चिकना किया जा सकते हैं। उसमें हम ज़्यादा मटेरियल समझिए यूँ बर्बाद होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पुट्टी को फर्स्ट कोट में ही ज़्यादा देते हैं, ताकि सेकेंड कोट में हमको फिनिशिंग करने में आसानी हो, और ऐसा करने के बाद हमको उससे भी अधिक फिनिशिंग के लिए 180 नंबर का पेपर यूज करना होता है, जो कि सबसे बेहतर तरीका है। उससे हमारी उंगलियां भी नहीं कटती हैं, लेकिन 120 नंबर पेपर का यूज कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि हमारी उंगलियां भी कटेंगी, ज़्यादा मेहनत भी होगा, उसके बाद ज़्यादा डस्टिंग भी होगी, यानी कि पुट्टी ज़्यादा निकलेगी और उससे बहुत अधिक डस्टिंग होगी। और फिनिशिंग के मामले में जहाँ तक बात है, तो 120 नंबर पेपर से अगर हम घसाई करते हैं तो फिनिशिंग लगभग उतनी अच्छी नहीं आएगी जितने कि 180 नंबर से आएगी। इसलिए कि 120 नंबर पेपर जो होता है वो मोटे दाने वाला होता है, उसके बाद जब हम घसाई करते हैं तो उसमें लाइनिंग्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम 180 नंबर का पेपर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ होता है और कटाई भी चिकनी होती है। चिकनी होने के बाद में हम प्राइमर करते हैं। तो आइए देखते हैं हम दीवार को कैसे घसते हैं 180 नंबर पेपर से। ये रहा हमारा दीवार, जो कि दो कोट पुट्टी हो चुका है, और यहाँ तक आप देख सकते हैं काफ़ी चिकना है। इस पर 180 नंबर पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नज़दीक से भी देख सकते हैं। वैसे तो मैं मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए आपको शायद ठीक तरीके से दिखे नहीं। जो भी हो, हम आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं, बस हमारे पास कैमरा वगैरह नहीं है वो बड़ा वाला, इसलिए मोबाइल से ही हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो घसाई करते हैं और आप देखेंगे 120 नंबर और 180 नंबर में कितना ज़्यादा फर्क होता है। तो दोस्तों, ये हमारा जो दीवार है ये घसा चुका है, सैंडिंग हो चुका है 180 नंबर पेपर से। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ी सी भी लाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए कि 100 नंबर पेपर जो होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, उसके दाने भी रफ नहीं होते हैं। और इसके ऊपर से जब हम प्राइमर करेंगे तो हमारी प्राइमर की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। और एक बात और आपको बता दें, जब हम प्राइमर करें तो कभी भी पतला ही करें, ज़्यादा मोटा प्राइमर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारे दीवार के अंदर
क्या होता है कि प्राइमर अंदर तक नहीं जा पाता है और ऊपर ही होता है, जो कि बाद में निकलने का चांसेस ज़्यादा होता है। और एक बात, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि पुट्टी कर दें, पुट्टी काफ़ी फिनिशिंग, कुछ अच्छे पेंटर है जो कि इतने अच्छे पुट्टी करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि घसाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि पुट्टी करने के बाद घसाई सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ही नहीं होता है, वो घसाई इसलिए किया जाता है ताकि वो रफ़ हो सके, और रफ़ होने के बाद ही पेंट अंदर तक जाती है। अगर पेंट या प्राइमर पुट्टी के अंदर तक नहीं जाती है तो उसकी लाइफ जो है काफ़ी कम हो जाती है। वैसे आप देख भी सकते हैं, जो दो जगह पे पेंट करके हम दिखा सकते हैं आपको, एक जगह जहाँ पे घसाई हुआ है और एक जगह जहाँ पे घसाई नहीं हुआ है, वहाँ पे पेंट आपका अंदर तक नहीं जाएगा और वो बाद में पपड़ी बन के निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान दें इस बात को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे मैं नया हूँ, अभी थोड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ जो है वो मैं देता हूँ। वैसे मैं और कुछ अभी बोल नहीं सकता, अभी नया नया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं, लेकिन जो भी जानकारियाँ हैं मैं आपको दे रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में भी कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, उसका भी जवाब मैं जहाँ तक होगा मैं दे सकता हूँ। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखें, हो सकता है मेरी वैसे अगली वीडियो आएगी जब मैं पेंट करूँगा, तो लाइव पेंट करते समय भी मैं आपको बताऊँगा, प्राइमर करने के बाद भी मैं आपको बताऊँगा। ये तो देख लिया आपने घसाई, पुट्टी वाला मैंने वीडियो नहीं बनाया इसलिए कि ये चैनल जो है मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। पुट्टी जब मैं पुट्टी कर रहा था उस समय ये बना हुआ नहीं था। वैसे पुट्टी दूसरे साइड पे जब पुट्टी करूँगा वहाँ पे मैं आपको एक दूसरी वीडियो डाल दूँगा जहाँ पे पुट्टी होगी। और हाँ, हमारे पास मशीन भी है, जो भी सैंडिंग मशीन है वो पुट्टी मिक्स मशीन है, हमारे पास लाडर्स भी हैं, बाडला लाडर है जिसके ऊपर आप बैठ के काम कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से 12 फुट तक। वैसे हमारे पास 8 फुट का लाडर है, उसके ऊपर खड़े होकर आसानी से 12 फुट की दीवार को और सेलिंग्स को आप कर सकते हैं। हम POP का भी काम करते हैं, वॉल डिज़ाइन का भी काम करते हैं और पॉलिश का भी काम करते हैं। आप चाहें तो हम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं नोटिफिकेशन में वो नोटिफिकेशन बोल रहा हूँ क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट्स में मैं लिख के अपना नंबर डाल दूँगा। वैसे मेरे चैनल पे भी मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता, भगवानपुर में, साजिदपुर में जा सकता हूँ, सिवान, छपड़ा, महाराजगंज, जनता बाज़ार, बसंतपुर, इतने दूर में मैं काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं दूर नहीं जाता हूँ काम करने के लिए, अधिकतर काम मैं इधर ही करता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।